रिलायंस इंडस्ट्रीज को सेबी से बड़ा झटका लगा है। रिलायंस पेट्रोलियम से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में सेबी ने रिलायंस पर करीब 1300 करोड़ का जुर्माना लगाया है और एक साल के लिए इक्विटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग पर भी रोक लगा दी है। सेबी के नए चेयरमैन अजय त्यागी के आने के बाद ये पहला सबसे बड़ा आदेश है। सेबी ने देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत 13 कंपनियों पर इक्विटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए इन पर एक साल का बैन लगाया गया है। करीब 9 साल पुराने रिलायंस पेट्रोलियम इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में कंपनी पर बैन लगा है। इस मामले में सेबी ने रिलायंस पर करीब 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना भी ठोका है। सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 45 दिन में 447 करोड़ रुपए और 12% की रेट से ब्याज चुकाने का ऑर्डर दिया है। रिलायंस का 29 नवंबर 2007 से अब तक 12% की दर से ब्याज भरना होगा। जानकारों का मानना है कि सेबी के इस फैसले से बाजार में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश जाएगा। सेबी हैज शोन अंडर द न्यू चेयरमैन मिस्टर अजय त्यागी दैट दे आर प्रिपेयर्ड टू टेक एक्शन व्हेरेवर समथिंग रॉन्ग हैज बीन डन एंड दे विल चार्ज पेनल्टीज एंड टेक एक्शन व्हेरेवर नेसेसरी। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप व्हिच सेबी हैज टेकन। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सेबी के फैसले को खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि वो इस ऑर्डर को सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी एसएटी में चुनौती देगी। रिलायंस के मुताबिक सेबी ने वाजिब ट्रांजैक्शन को गलत समझा है। कंपनी का कहना है कि रिलायंस पेट्रोलियम के सौदे गलत मकसद से नहीं किए गए थे बल्कि सिर्फ एक हेजिंग का हिस्सा था। इस मामले में कंपनी सभी कानूनी विकल्पों का सहारा लेगी। दरअसल ये मामला साल 2007 का है और सेबी ने 2008 में मामले की जाँच शुरू की थी। पहले रिलायंस पेट्रोलियम रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडी कंपनी थी, बाद में इसका मर्जर रिलायंस इंडस्ट्रीज में हो गया था। सेबी के मुताबिक रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों में कैश मार्केट में भारी बिकवाली की गई, जिससे कीमत गिरे और उसका फायदा शॉर्ट सेलिंग के जरिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में उठाया जा सके। इसके अलावा सेबी ने रेल को फ्रंट कंपनियों के जरिए मार्केट की पोजीशन लिमिट तोड़ने का भी दोषी पाया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इस ऑर्डर के बाद रिलायंस की छवि थोड़ी खराब होगी। रिलायंस जैसी कंपनी को लेकर के अगर आप 12% का ब्याज भी पकड़ते हैं 2007 से, तो इतना कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक इमेज को लेकर के डेफिनेटली थोड़ी कंसर्न हुई है। एंड आई होप दैट ऐसी बड़ी कंपनी आगे जाकर के ऐसे कदम ना ले जिसके कारण ये सेबी के दायरे में आ जाए। करीब 9 साल बाद सेबी ने मामले में ऑर्डर दिया है। सेबी ने माना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस पेट्रोलियम में इनसाइडर ट्रेडिंग का करीब 513 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इनसाइडर ट्रेडिंग का अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।